सकता है। इससे पहले हम कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और शुड इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे मस्ट के बारे में। मस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं मस्ट इज यूज टू स्टॉप प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। तो देखिए मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावना। देखिए संभावना के लिए मैंने कैन का प्रयोग किया था, मे का प्रयोग किया था, माइट का भी प्रयोग किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ आज मस्ट के अंदर भी संभावना की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम कैसे पहचानें कि ये ज़्यादा संभावना है, कम संभावना है या जो भी है। देखिए एक सेंटेंस जो होता है उसके अंदर पूरी पूरी बात नहीं होती है। जैसे आप हिंदी बोलते वक्त अपना ऑटोमेटिक ही आप कम मॉडल्स का प्रयोग कर जाते हो, आपको स्वयं को पता नहीं रहता। उसी प्रकार इंग्लिश के अंतर्गत भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे आपको पहचानना होता है कि इसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको एक दिन एग्जाम्पल दिया था, मान के चलिए मैंने कहा था कि आकाश में बादल है, वर्षा हो सकती है, तो उस प्रोबेबिलिटी के लिए आपने मे का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिए मे का प्रयोग किया था। आकाश में कुछ बादल है, वर्षा हो भी सकती है, मतलब हो सक भी सकती है, नहीं भी सकती, तो आपने माइट का प्रयोग किया। लेकिन आकाश में घने बादल, काले बादल है, ध्यान दीजिए एक शब्द जुड़ रहा है इसके साथ, एक लाइन जुड़ रही है, वो जुड़ रहा है कि आकाश में घने काले बादल है तो वर्षा होगी, ध्यान रखना वर्षा अवश्य होगी। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं सशक्त संभावना के लिए। जिससे आप कहीं बाजार गए और बाजार बहुत देर बाद आप घर लौटे तो आपसे आपके घर वालों ने कहा कि बेटा बहुत देर हो गई तुम्हें घूमते घूमते, लगता है थक गए हो। तो उन्होंने क्या एक अनुमान लगाया, एक महसूस किया कि आफ्टर लंबा यानी लंबी सैर के बाद यू मस्ट फील टायर्ड, या थका हुआ महसूस कर रहे होंगे यानी कि घूमने चाहिए। अक्सर हम देखते हैं नॉर्मल भाषा में इस तरह की चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। हम कहीं से आते हैं तो आप कहते हैं यार इस समय तो वो ये कार्य कर रहा होगा, तो उसने पूर्व अनुमान लगा रहा है जी। लेकिन पूर्व अनुमान किस तरह का, लेकिन वो अनुमान बिल्कुल एक्टिव रेट है, फिक्स है। अभी जैसे द लाइट्स आर ऑन, अभी आप देखते हो किसी के कमरे की लाइट ऑन है तो आप ऑटोमेटिक क्या अर्थ लगाओगे कि जरूर कोई ना कोई अंदर होगा। देखिए ऐसा द लाइट्स आर ऑन सो समवन मस्ट बी इन द रूम, यानी कि लाइट है वो ऑन है यानी चालू है तो रूम में कोई ना कोई होगा। लुक एट योर लाइफ स्टाइल, उसकी जीवन शैली देखो, ही मस्ट बी रिच, उसने संभावना व्यक्त करी है, उसे पता नहीं है लेकिन उसने संभावना व्यक्त करी। किसको संभावना व्यक्त की, किसी को देखते हुए कि उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हुए, यानी कि लाइफ स्टाइल को देखते हुए उसने संभावना व्यक्त की है कि वह क्या होगा, अमीर होना चाहिए। अब देखिए ये दूसरा रूल है मस्ट का, वो क्या देखिए, मस्ट इज यूज टू ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का प्रयोग मैंने आपको ध्यान रखा होगा कि मैंने किसमें इंडिकेट करवाया था आपको ऑब्लिगेशन का, छोड़ दिया। अब एक बाध्यता होती है, अब बाध्यता कैसी है, देखिए कुछ बाध्यता ज़्यादा होती है। एक शोर तो कहते हैं कि भाई आपको स्कूल में समय पर आना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कई सारी चीज़ें जो शोर में आती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशन की बाध्यता की, तो देखिए कैसे, एक होता है नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता की। अब आप बात करेंगे ऑब्लिगेशन से तात्पर्य क्या है, बाध्यता, तो पढ़े डोंट टेल इट टू एनीबॉडी, इसे किसी को मत बताना, ध्यान देना इसे किसी को मत बताना, यू मस्ट कीप इट टू सीक्रेट, तो इसे आपको क्या रखना है, गुप्त रखना चाहिए। यानी कि आपने किसी को बात बताई और आपने उसको बहुत ही ऑब्लिगेशन कर दिया, उसे बाध्य कर दिया कि भाई ये जो मैंने बात आपको बताई है ना इसे किसी को नहीं बतानी है, तो ये आपका सेट, इसमें इसका प्रयोग करोगे आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। एक आपने कहा सुन तो उसके एडवाइस दी, भैया ये बात है ना बताने की नहीं है, आपको कोई बात बता रहा है और आपसे कह रहा है नहीं इसे किसी को नहीं बतानी, उसे बाध्य कर रहा है, उस कंडीशन में आपको मस्ट का प्रयोग करना है। लेकिन अब देखिए कुछ ऐसे कार्य चीजें जिन्हें हमें आवश्यकता होती है, वो कैसे, देखिए वी हैव नॉट मच टाइम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, आवश्यकता है, उनके पास समय नहीं है, उन्हें जल्दी है, तो इसमें हमें किसका प्रयोग किया है, नेसेसिटी का प्रयोग किया है। अब देखिए एक बंदा कह रहा है ऑब्लिगेशन की बाध्यता की तरह से कह रहा है कि मस्ट वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, हमें बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पार्टी करनी चाहिए, एक फ्रेंड कह रहा है, बाध्य कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए एक फ्रेंड क्या कह रहा है कि हमें पार्टी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। यहाँ पर ये निश्चित है
कि पार्टी तो होगी, बंदा फर्स्ट का प्रयोग कर रहा है। दूसरी चीज है कि ड्राइवर कह रहा है, ड्राइवर क्या कह रहा है आपसे कि आई मस्ट ड्राइव हियर स्लोली, तो कहने का तात्पर्य है कि उसे धीमे चलाना होगा। तो कहने का मतलब ड्राइवर धीमे चलाने का मन बना चुका है और वो गाड़ी को धीरे चलाएगा। अब ऐसे अगर सेंटेंस देखिए, मेरा भी फिर अपने को रिपीट करता हूं, स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी यानी सशक्त संभावना के लिए, यानी जिसकी संभावना कार्य की ज्यादा हो। जैसे मैंने किसी से कहा कि यार वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और वो क्या आएगा, मेरिट में आएगा, तो ये क्या है, सशक्त संभावना है। और एक काम मैंने किया, वो 2 घंटे पढ़ता है या 3 घंटे पढ़ता है, ज्यादा मैंने उससे संभावना व्यक्त नहीं करी, तो वो अच्छे नंबर लेके आएगा। तो दोनों में संभावना है कि मैंने उसके लिए जोड़ दिया, जोड़ के सेंटेंस दिया कि वह बहुत ज्यादा होशियार है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए वो अव्वल आएगा, फर्स्ट आएगा। अब बात करते हैं मस्ट इज यूज टू कंपल्सन। कंपल्सन से तात्पर्य है हमारा अनिवार्यता। अनिवार्यता क्या होती है कि आपने अक्सर देखा होगा जब आप एग्जाम देते हो तो एक सेंटेंस लिखा होता है कि कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जितने क्वेश्चन है कैंडिडेट को पूरे करने होंगे, तो मतलब कंपल्सरी है। कंपल्सरी इसे कहते हैं आप अनिवार्यता या, तो उस कंडीशन में आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा उसमें मस्ट का प्रयोग है। अब इसका मतलब है कि अगर वो पूरे करेगा तो ही उसको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा है यू मस्ट क्लोज द डोर्स एट नाइट, तुम्हें रात में क्या करना चाहिए, दरवाजे को बंद करना चाहिए, तो ये भी अनिवार्यता है। अब अगला सेंटेंस है मस्ट नॉट का प्रयोग हम कब करेंगे। देखिए अक्सर हम मस्ट नॉट का प्रयोग कब करते हैं, प्रोहिबिशन के टाइम पे। अब प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी कार्य के लिए निषेध करना, मना करना कि भाई ये कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि तुम्हें एल्कोहल नहीं पीना चाहिए तो आप मस्ट नॉट का प्रयोग करोगे। ये किसी को सलाह देते तो शुड नॉट का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आप अगर बड़े हो, एल्डर हो अपने घर में और अपने से छोटे लोगों को आप बाध्य कर रहे हो तो आप उस जगह मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, एक सेंटेंस में मस्ट नॉट का प्रयोग किया, देखिए एक जो बंदे ने क्या है, आई का ऑपरेशन कराया, आंखों का ऑपरेशन कराया, तो डॉक्टर ने उसे क्या दिया, प्रोहिबिट किया है कि भाई तुम्हें टीवी नहीं देखनी है। क्या नहीं देखनी है, टीवी नहीं, क्योंकि आप उससे दोबारा खराब हो सकती है। देखिए एक सेंटेंस है, you have just had an eye operation, तुमने अभी आंख का ऑपरेशन कराया, यू मस्ट नॉट वॉच टीवी, तो तुम्हें टीवी नहीं देखनी चाहिए। तो ये होता है क्या, हो गया प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन का अर्थ क्या होता है, निषेध, क्या होता है, निषेध। अगला सेंटेंस है हमारा, सी है जस्ट रिकवर्ड स्टमक पेन, कि वे अभी पेट के दर्द से रिकवर हुआ है, यू मस्ट नॉट ईट टू मच, तुम्हें ज्यादा क्या नहीं खाना चाहिए, तुम्हें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। तो देखिए हमने आज क्या पढ़ा मस्ट के बारे में, मस्ट का प्रयोग स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है, मस्ट का प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाता है। अब आप पूछोगे भाई मस्ट में ऑर्गेनाइजेशन भी का प्रयोग होता है और शुड के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग। देखिए इसमें तो मैंने आपको बताया कि देखो जो मस्ट का प्रयोग सशक्त संभावना के लिए किया जाता है यानी प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है, तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें कैन का उपयोग कर सकते हैं, मे का भी उपयोग कर सकते हैं, माइट का भी उपयोग कर सकते हैं और मस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम इसमें शुड का उपयोग करते हैं और मस्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि हमें एक अंतर निकालना, देखिए तो मस्ट की यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो मस्ट में देखिए एक तो सेंटेंस है कैन, मे, माइट और मस्ट, इनमें हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना व्यक्त करते हैं। अब आप पूछेंगे कि साहब कैन में कब करें, मे में कब करें, माइट में कब करें, मस्ट कब करें और हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें संभावना जो है वो ज्यादा है या कम है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होती है स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी, इसका अर्थ होता है सशक्त संभावना। तो इस कंडीशन में मस्ट का प्रयोग करेंगे, आपके सेंटेंस के अंदर ही कोई भाव ऐसा होगा कि जिससे लग रहा होगा कि इसमें सशक्त संभावना है। जैसे लाइट ऑन है तो घर के अंदर कोई होगा, तो सीधी बात है इसकी संभावना ज्यादा है, तो इस जगह। लेकिन आप मे का प्रयोग कर सकते हो, घर में कोई हो सकता है, एक नॉर्मल सेंटेंस के तहत बोले यार इस समय घर में कोई हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम मे का प्रयोग करते हैं। और रिमोट पॉसिबिलिटी, जैसे मान के चलिए कि मैं इस समय ऑफिस जाता हूँ, एक एक साल समय है जिस समय मैं ऑफिस जाता हूँ और उस ऑफिस जाते समय में आप एक अनुमान लगा रहे हो, पूर्वानुमान लगा रहे हो कि यार वो इस समय घर हो सकता है, आज कोई ऐसी चीज है, तो उस समय माइक
मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, ध्यान देना, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हो, मैट का प्रयोग कर रहे हो, कैन अधिक पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सशक्त संभावना हो तो उस कंडीशन में मस्ट का प्रयोग करेंगे। आप लंबे समय से कहीं घूम के आए हो तो आपने किसका प्रयोग किया, आप थके होंगे तो मस्ट का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। आज छुट्टी का दिन है, आप घर पे होंगे तो आपने इसका प्रयोग किसमें किया, मस्ट का किया। अब मैं बात करता हूँ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन से तात्पर्य बाध्यता और नेसेसिटी से तात्पर्य आवश्यकता। आप समझिए कैसे, कि देखिए डोंट टेल इट टू एनीबॉडी, मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, बाध्यता देखो हमने शुड में भी प्रयोग की थी और बाध्यता हमने मस्ट में प्रयोग की थी। अब दोनों में अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट बर्थडे, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर निश्चित है पार्टी होगी क्योंकि मैंने मस्ट का प्रयोग किया है। लेकिन यदि मैं शुड का प्रयोग करता हूँ तो उस कंडीशन में पार्टी होने में संदेह है। तो दोनों ऑब्लिगेशन है परंतु एक में संदेह है और एक में संदेह नहीं है, मतलब एक में फिक्स है कि पार्टी तो होगी। दूसरी चीज, ड्राइवर ने दिन में चलाने का मन बना लिया है, जो मैंने अभी दिखाया था आई मस्ट ड्राइव हियर स्लोली, ड्राइवर कह रहा है, लेकिन शुड का प्रयोग कर रहा है कि उसने मन तो बना लिया लेकिन पता नहीं वह धीरे चलाएगा या नहीं चलाएगा शुड के लगाने से। दूसरी चीज देखिए, जोरदार सलाह दी जाती है या जो कहा जाता है कि कंपल्सन किया जाता है कि कैंडिडेट को सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है, लेकिन दूसरा ये अगर ऐसा सेंटेंस हो उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि वे मानी जाए। जैसे मान के चलो आप किसी से कहते हो डॉक्टर को आप दिखा के आए, लेकिन आपको डॉक्टर के आने के बाद आपका कोई फ्रेंड है वो आपसे कहता है यू शुड बी मोर केयरफुल, तो वे बहुत अधिक स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है अबाउट योर हेल्थ, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक सलाह है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि भाई अभी तुमने कुछ ऑपरेशन कराया है या जो भी है तो आपको ये चीज़ खानी चाहिए, तो उस जगह आपको सलाह मस्ट में दी जाएगी। जैसे आप किसी बीमारी से पीड़ित हो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो उसमें शुड नहीं लगाएगा, उसमें मस्ट का प्रयोग करेगा, ध्यान रखिए। शुड का प्रयोग नॉर्मल सलाह के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अंतिम प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, जब भी आप किसी कार्य की मना कर रहे हो, मनाही है कि इस एरिया में आना आपके लिए मना है, तो आप मस्ट नॉट का प्रयोग करोगे। यदि आप किसी कार्य को मना करना चाहते हो तो भी उस कंडीशन में आप मस्ट नॉट का प्रयोग करोगे। जैसे यू हैव जस्ट हैड एन आई ऑपरेशन, तो आपने एक आई ऑपरेशन कराया, आई यानी आपका ऑपरेशन कराया, यू मस्ट नॉट वॉच टीवी, तो तुम्हें टीवी नहीं देखनी चाहिए। ऐसे ही सी हैव जस्ट रिकवर्ड स्टमक पेन, यू मस्ट नॉट ईट टू मच, तो यानी कि तुम्हारे पेट का दर्द से आप अभी ठीक हुए हो तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि इन दोनों में आप कैसे अंतर कर सकते हो, मैं चीज अगर आप बात करते हैं मस्ट में दोबारा से। देखिए मस्ट का प्रयोग हमने अभी बात करी थी सशक्त संभावना के लिए, जबकि औरों में जो संभावनाएं होती है वो छीण होती है। दूसरी बात हमने ऑवलाइजेशन की बात करी थी, ऑवलाइजेशन से मतलब होता है हमारा बाध्यता, और बाध्यता का मतलब होता है आप किसी मजबूत सलाह दो, जैसे यू मस्ट रीड इट टू बिकॉज इट इज वंडरफुल, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अद्भुत है, तो आप किसी को तो इसमें आपको पर्सनल अटैच कर रहे हो, तुम्हें ये खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है, तो आप किसी को बाध्य कर रहे हो पर्सनलाइज करके, जबकि शुड में आप प्रयोग करके उसे पर्सनलाइज नहीं कर रहे। तीसरी बात जो मस्ट का प्रयोग है, जो नेगेटिव के बताया कि मजबूत सलाह लेकिन नेगेटिव में, जैसे तुम्हें गुटखा नहीं खाना चाहिए, तुम्हें कोई भी ऐसा कार्य जो जिसकी मनाही होती है, तो उस कार्य के लिए हम मस्ट नॉट का प्रयोग